ज्योतिषाचार्य जी, सरस्वती पूजा आने वाला है और पूजा का जितना महत्व होता है उससे ज़्यादा कहीं भोग का भी महत्व होता है। तो पूजा में क्या भोग लगाने से माता सरस्वती प्रसन्न होगी और विशेष कृपा बरसाएगी? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। अब कुछ ही दिनों में माँ सरस्वती बागेश्वरी देवी की पूजा होगी और यह पूजा जितना भी 33 करोटि देवता हैं उसमें सरस्वती जी का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि विद्या देने वाली अधिष्ठात्री देवी है, विद्या की अधिष्ठात्री हैं। तो विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी लोग बहुत यत्न करते हैं और परिश्रम करते हैं, परिश्रम करने के बाद विद्या की प्राप्ति होती है। तो भाई वर्ष में एक दिन माँ सरस्वती की जो पूजा होती है, पूजा अर्चना करने के बाद भोग का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप जिन देवताओं का जो रुचि है, रुचि के हिसाब से यदि आप भोग लगाते हैं तो आपको फलदायी होता है। अब कहने का मतलब आप रूपी भोजन और पर रूपी श्रृंगार, कहावतें जो बनी हुई हैं कि किसको क्या रुचि होता है। अब जिसको जो रुचि नहीं है उसको आप भोग लगाएंगे तो पसंद नहीं होगा। तो भोजन रुचि के हिसाब होना चाहिए। तो माँ सरस्वती का जो भोग लगेगा उनका रुचि क्या है, और रुचि से भोग यदि लगाते हैं तो वह देवता ग्राह्य होगा और उसका सीधा असर आपके ऊपर पड़ेगा, आपको फल मिलेगा। तो माँ सरस्वती को 5 चीज़ों का यदि उस दिन आप भोग लगाते हैं तो आपको मनचाहा आशीर्वाद मिलता है। पहला भोग क्या है? केसरिया खीर। केसर देकर के आप खीर बना करके माँ सरस्वती का भोग लगाएं, या केसरिया रंग केसर डाल करके, केसर डाल करके आप अरवा चावल को पीस करके हलवा बनाएं, उसका भोग लगाएं तो माँ सरस्वती को अच्छा पसंद है। दूसरा है रबड़ी। केसर डाल करके आप रबड़ी बनाएं और रबड़ी माँ सरस्वती को भोग लगाएं, उनको बहुत पसंद है। क्या है पसंद? चने दाल का यदि आप हलवा बनाते हैं उसमें थोड़ा सा केसर डाल करके, यानी जो भी भोग हो केसर युक्त लगाने से माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती है। तो चने दाल का हलवा बनाएं, केसर डाल करके और भोग लगाएं, आपको अच्छा फल की प्राप्ति होगी। और दूसरा क्या है? पीले रंग का बूंदिया और बेसन का लड्डू। यदि आप ये 5 चीज माँ सरस्वती को भोग लगाते हैं उनके अनुरूप, तो आपको जो आशीर्वाद मिलेगा, जो फल मिलेगा, वह आपके ही अनुरूप मिलेगा। माता प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देगी और आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा।